नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। संपूर्ण समाधान दिवस में आज तहसीलदार कमलेश कुमार जी ने जनता की फरियादें सुनी। आज संपूर्ण समाधान दिवस में 26 शिकायतें आईं, 3 का मौके पर निराकरण कर दिया गया, बाकी बची हुई समस्याओं को 15 दिन का अधिकारियों को टाइम दिया गया। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि समस्या का समाधान मौके पर जाकर करें। टोटल 26 शिकायतें प्राप्त हुई और 3 का निर्धारण मौके पर कर दिया गया। मेरा एक अनुरोध था आप लोगों से कि कुछ शिकायतें जो हुई हैं उन गुणवत्ता पर नहीं हुई, उसका ध्यान दीजिए कि शिकायतें जो थी गुणवत्ता पर हो और संबंधित जो शिकायत करता है उससे एक बार फोन से वार्ता जरूर कर ले, आप करें या आपका अधिकारी एक बार कर ले तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि शिकायत आपके अधीनस्थ ने जिस कारण उसका सही ढंग से किया है कि नहीं। क्या है कि आपको रिपोर्ट देते हैं नीचे लिख दिया जाता है, विद्युत विभाग का जैसे है कि मीटर का निस्तारण कर दिया गया है, मीटर लग गया है या पोल लग गया है। अभी मैं देख रहा था, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ आपकी कि आपने काम अच्छा किया या खराब किया, जनरल समस्या है। पोल लगने के लिए महिला है वो 3 बार पहले मैं 10 दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ और अभी तक बोल नहीं। तो इस तरह की समस्याएं जब मैं यहाँ आने के बाद निस्तारण हो गया, दूसरी बार वो समस्या न आवे। आपके पास अगर संसाधन नहीं है, सिंचाई विभाग का है, PWD का है, सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, बरसात और चीजें भी तब होगा, इस तरह की शिकायतें जो है वो मौजूद रहते आप रिपोर्ट लगा के भेज दीजिए और एक प्रस्ताव जो जाना चाहिए शासन को मौसम प्रस्ताव की काफी इसमें से अवगत करा दे ताकि आप आगे भी जवाब दे सकें। वो संतुष्ट हो शिकायत करता या ना हो वो बात की बात है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है कि जो भी शिकायत आ रहा है उसका मुख्य प्रमुख निस्तारण हो जाए या 15 दिन के अंदर निस्तारण हो जाए, लेकिन आप सेटिस्फाइड आपका होना जरूरी है कि आपने निस्तारित कर दिया या निस्तारित नहीं किया तो उसके पीछे रीजन क्या है। और ये शिकायतें याद भी होनी चाहिए कि नेक्स्ट 10 दिवस में अगर कोई आता है तो कम से कम आपका जो भी उच्च अधिकारी बैठे होते हैं, जिलाधिकारी महोदय भी आते हैं, उनका भी 10 दिवस होता है और जिलाधिकारी महोदय का भी होता है, तो आपके पास एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि सर ये जो है शिकायत अभी निस्तारित नहीं हो सकती है, प्रस्ताव भेजा गया है या हमारे राजस्व विभाग की है कि पानी भरा हुआ तो बैलेंस कैसे हो सकती है। तो कंडीशनल अगर आप निस्तारण करते भी हैं तो आप